दिल्ली के प्रेम नगर में सीलिंग अभियान को चलाने के लिए गई टीम पर जबरदस्त हमले की खबरें सामने आ रही है, जहां पर एक पुलिसकर्मी के भी घायल होने की खबर भी सामने आई है। सीलिंग करने गई टीम पर पथराव किया है, वहां पर जो व्यापारी है खासा रोष देखने को मिल रहा है। प्रेम नगर की घटना आपको बता रही है, जहां पर पथराव में एक पुलिसकर्मी को चोट लगी है, फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालत उस पुलिसकर्मी की काफी गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, आज सुबह से ही साउथ MCD का सीलिंग अभियान जारी था। अवैध निर्माण जितना भी किया गया है उस पर बुलडोजर चलने की कवायद आज सुबह से शुरू हुई थी। खासा रोष लोगों में देखा जा रहा था, व्यापारियों में देखा जा रहा था। जितने भी रेजिडेंशियल एरिया हैं, जितने भी अवैध निर्माण, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, उन सब पर आज पीला पंजा चल सकता था। और इसी के तहत साउथ MCD काफी सख्त रुख अख्तियार कर चुकी थी और इसी के तहत दिल्ली के प्रेम नगर पहुंची थी MCD की टीम। सीलिंग अभियान चला रही थी, जिसके बाद तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या स्थिति बन गई। ये एक प्रशासनिक कार्य था और इसको किस तरीके से इसने उग्र रूप ले लिया। पत्थरबाजी हुई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं। विनय सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनय, तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं सीलिंग अभियान कम और पत्थरबाजी का अभियान ज्यादा लग रहा था। देखिए, आपको बता दूं कि डेमोलेशन ये नॉर्थ MCD कर रही थी प्रेम नगर में, क्योंकि प्रेम नगर में एक साथ प्रेम नगर पटेल नगर के जो नजदीक है, 7 एकड़ की जमीन है जो कि MCD के पार्क की है। और यहाँ पे कुछ जो मकान है वो इसकी हद में, पार्क की हद में है। यहाँ पे जो जब डेमोलेशन के लिए पहुंचे तो यहाँ पे लोगों का गुस्सा भड़क गया। इनका लोगों का कहना था कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के हमारे मकानों को तोड़ा जा रहा है और हमें कोई अल्टीमेटम भी नहीं दिया गया है। और इसी को कि जब MCD अपना अभियान बुलडोजर चला रही थी, तभी लोगों ने गुस्सा इकट्ठे हो गए और जो पुलिस बल थी उन पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ से पुलिस बल ने भी हमला किया, तो पत्थरबाजी जो है आपस में एक दूसरे के बीच हो गई। और यहाँ पे एक पुलिस वाला और एक वहाँ की स्थानीय जो निवासी है, एक महिला, वो घायल हुई है। हालांकि दोनों को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन जो अभी डेमोलिशन काम है वो फिलहाल रोक दिया गया है। यहाँ पे लोग काफी नाराज है इस कार्रवाई से। इनका कहना है कि ये काफी लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं और इस तरह से अचानक सर्दी और ठंड का समय, ठंड में इनके मकानों को तोड़ना इनके लिए एक समस्या है। तो यहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, पुलिस बल का इस्तेमाल किया है, वहीं लोगों ने पत्थरबाजी की है। हालांकि सबको अभी दूर कर दिया गया है और माहौल यहाँ पे जो है, आपको बता दूं कि बिल्कुल तनातनी का है। कभी भी फिर से दोबारा से ये हिंसा जो है भड़क सकती है। विनय, बेहद गंभीर विषय है ये सीलिंग का, और जहां भी देखा जा रहा है कि MCD सीलिंग करने के लिए पहुंचती है, वहां पर उग्र हो जाते हैं, चाहे व्यापारी हो चाहे ये रह रहे लोग हो। इनका साफ तौर पर पहले भी ये कहना था कि नोटिस जारी नहीं किया, ये भी लोग कह रहे हैं कि बहुत सालों से रह रहे हैं लेकिन कोई नोटिस नहीं दिया। अगला कदम इन लोगों का क्या हो सकता है और MCD का क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे में जितनी बार ये लोग सीलिंग की कार्रवाई को चलाएंगे उतनी बार ये प्रदर्शन इनको देखने को मिल सकता है। देखिए, आपको बता दूं कि जिस हिसाब की राजधानी में सीलिंग और डेमोलिशन दोनों ही जोरों पर है और इसको लेकर MCD और जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो लगातार अपना अभियान तेज किए हुए है, तो क्योंकि MCD को अपनी जो जमीन है डेमोलिशन, जो अवैध निर्माण और अवैध कब्जे हैं उनको खाली कराना है, तो इसको लेकर जाहिर तौर पर बात है कि MCD को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। क्योंकि जितना पुलिस बल आज का हो सकता कि अगली बार MCD उससे ज्यादा पुलिस बल लेके पहुंचे, ज्यादा सुरक्षा लेके पहुंचे, लेकिन क्योंकि MCD का साफ कहना है कि उन्होंने अवैध निर्माण और अवैध कब्जे को लेकर अपना अभियान जो तेज किया है वो अपना अभियान जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल की जरूरत क्यों ना पड़े। हालांकि इसी उम्मीद से आज पुलिस बल की जो संख्या थी वो भी ज्यादा थी, लेकिन जो लोगों का गुस्सा था वो ज्यादा उग्र हो गया था। लोगों ने अचानक ही पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस अपना जो MCD कर्मचारी है, MCD का बुलडोजर है, वो अपना काम कर रहा था, लेकिन अचानक लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोगों ने पत्थरबाजी शुरू दी। तो ये लोग अब जो पुलिस का साफ कर रखा है कि अपना जो अभियान है वो जारी रखेंगे, चाहे उन्हें बशर्ते पुलिस बल का इस्तेमाल ज्यादा क्यों ना करना पड़े।